आरजे न्यूज में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा एक ही निवेदन कि हमारे चैनल आरजे न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास ही बने बेल आइकन को भी जरूर दबा ले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो डकैत जगन गुर्जर का मसला शुक्रवार को लोकसभा तक पहुंच गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में शून्यकाल में जगन के एनकाउंटर की मांग की। संभवतः यह पहला मौका रहा जब लोकसभा में किसी डकैत के एनकाउंटर की मांग की गई। लोकसभा में डकैतों के मामले में पहले भी उठ रहे लेकिन उनके पुनर्वास की मांगें भी सामने आई। बेनीवाल ने मामले में केंद्र में हस्तक्षेप करने व राजस्थान व फोर्स भेजने की मांग भी की। बेनीवाल ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी राजस्थान में कुछ जिले डकैतों से प्रभावित हैं। तीन बार सरेंडर करने वाला ये डकैत 70 मामलों में बरी हो चुका है क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने की कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह कई हत्या व लूटपाट की घटनाओं में शामिल है। जगन गिरोह व अन्य डकैतों से राजस्थान सहित यूपी एमपी के जिलों में भी प्रभावित हैं। आमजन इससे परेशान है। उन्होंने कानून की व्यवस्था बिगड़ने के भी आरोप लगाए। बता दें कि 13 जून को जगन ने धौलपुर जिले के करणपुर सायरापुरा गांव में दो महिलाओं से मारपीट कर उन्हें निवस्त्र कर गांव में घुमाया था। 14 जून से पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन अभी तक चंबल के यहां तक का प्रभारी बने जगन गुर्जर का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं पे भी पता नहीं चला है। विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती, अपहरण, नकद बनी डकैती से जुड़े 100 से अधिक मामले दर्ज है उस पर, लेकिन उस पर पुलिस अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है और उस पर 40,000 का इनाम भी घोषित है। जी दोस्तों, जगन गुर्जर पर 40,000 का इनाम भी घोषित है लेकिन अभी तक पुलिस की पहुंच से। तो दोस्तों, हमारा आपसे इस वीडियो में यही सवाल कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है इसलिए जगन गुर्जर पुलिस की पहुंच से दूर है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो कैसा लगा हमें लाइक व शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।